क्लास के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। अतः वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। इस अधिनियम के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को मनोनीत किया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इस अधिनियम में वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इस प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इस परिषद द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की स्वीकृति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के उलट था, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, जो चार्टर अधिनियम 1833 के दौरान चरम पर थी, यह अधिनियम इससे उलट था। एच क्लास के नए प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।